प्रसंग करके आज तक देवराज का आह्वान बहुतों ने किया, किंतु रुष्ट करके मेरा आह्वान करने वाले उदंड कौन हो तुम? कर्ण, 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 कर्ण। दिव्य दृष्टि से बाण शक्ति से जीते ये सारा रण, शांत चित्त रे आत्म बल भरे जीते हर बार अगर, छूट ना पाए लक्ष्य हो जाए सूक्ष्म सा छुपा हो कर्ण। राधे कर्ण, आह्वान करने के केवल दो ही कारण होते हैं, भक्ति के लिए या चुनौती के लिए। परंतु देवराज इंद्र को चुनौती देने के लिए तुम्हारी आयु बहुत कम है, और तुम्हारी उदंडता देख तुम्हें भक्त समझना कठिन। भक्त तो मैं हूं देवराज, परंतु आपका नहीं, अपने गुरु का। मैं यहां आपको चुनौती देने आया हूं। मुझे देवराज इंद्र नहीं, उस अहंकार को जिसने देवराज इंद्र की मति हर ली है। देवराज इंद्र को चुनौती देने वाले बालक कहां से आए? मैं भी जानने का इच्छुक हूं, मुझे ललकारने वाले का कुल क्या है, जाति क्या है? ज्ञानियों की आयु नहीं देखी जाती और ना ही वीरों का कुल पूछा जाता है। वीरों का बाहुबल ही उनकी जाति होती है और शस्त्र ज्ञान उनका कुल। आप बस इतना समझ ले कि यह कर्ण अपने गुरु के आदेश पर आपसे सम्मान सहित ये निवेदन करने आया कि आप अपने मेघों को वर्षा करने का आदेश दें। तो तुम मुझे आदेश दे रहे देवराज इंद्र को, स्मरण रहे वर्षा मेरी आधीन है, इसे आज तक मैं इन पृथ्वीवासियों को भेंट स्वरूप देता आया, परंतु मुझे अभी अनुभव होने लगा निशुल्क में मिलने वाली इन सुविधाओं को ये पृथ्वीवासी सम्मान नहीं करते। इसी कारण मैंने निर्णय लिया है कि पृथ्वीवासियों को वर्षा तब तक प्राप्त नहीं हो जब तक वह मुझे उचित सम्मान नहीं देंगे। सम्मान और आदर प्रेम देकर अर्जित किए जाते हैं देवराज, बलपूर्वक केवल भय अर्जित किया जाता है। तो भय के कारण ही सही, मुझे सम्मान चाहिए। यदि सम्मान मिलेगा तो इन पृथ्वीवासियों को वर्षा प्राप्त होगी, और उपेक्षा की तो वज्र। महर्षि दधीच ने अपनी अस्थियां आपको वज्र बनाने के लिए दी ताकि व्रतासुर जैसे असुरों का नाश हो, ना कि निशक्त प्रजा का विनाश हो। देवराज, आप भूल रहे हैं कि पूजा उस वृक्ष की जाती है जो फल दे, शीतल छाया दे। कांटों से भरे वृक्ष को काट दिया जाता है। सावधान कर्ण, तुम देवराज इंद्र के सम्मान को चोट लगा रहे हो। मैं केवल आपके अभिमान को खोच रहा हूं, जैसे हिमकण स्वयं अपने पानी में पिघल जाता है, अहंकारी का अस्तित्व भी स्वयं उसका अहंकार हर लेता है। अपने मेघों को वर्षा करने का आदेश दे, इसे मेरा अंतिम निवेदन समझे या चेतावनी। और यदि मैंने तुम्हारा निवेदन अस्वीकार किया तो, वर्षा नहीं की तो मेरे बाणों की वर्षा से आपका अभिमान बच नहीं पाएगा।
अज्ञानी बालक, एक इंद्रधनुष क्या बना लिया, देवराज इंद्र का आह्वान क्या कर लिया, तो समझने लगे कि तुम मुझे चुनौती दे सकते हो। दो बाण क्या प्राप्त हो गए, तुम्हें प्रतीत होता है कि तुम वज्रधारी इंद्र का सामना करो। आपको वज्र दान में मिला है देवराज, पर मैंने अपने अस्त्र परिश्रम और साधना करके अर्जित किए हैं। बस उदंड बस, अंध अस्त्र के अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश पुंज चाहिए कर्ण, चक्षुमास्त्र। मेरे अस्त्रों को निष्क्रिय करने वाला मनुष्य ये है। देवताओं को शक्ति मनुष्य की भक्ति से मिलती है, और जब देवता अहंकारी हो जाए तो मनुष्य को विरोध में खड़ा होना ही पड़ता है, और आज ये मनुष्य देवराज इंद्र पर ही इंद्रास्त्र का प्रयोग करेगा। इंद्रास्त्र का प्रयोग स्वयं इंद्र पे किया, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है कि मुझे अमरत्व मिला हुआ है, कि देव मर नहीं सकते। सुना तो मैंने भी है कि देव अमर होते हैं, तो सोचा क्यों ना आज इस कहानी की परीक्षा करें। आप अमर हैं इंद्र, मर नहीं सकते।
लेकिन अमर होने के भी अपने दुख होते हैं। अनंत काल तक पीड़ा भोगना उनमें से एक है। बस कर्ण, बस, अब तेरा नाश निश्चित है। मेरे वज्र के प्रहार के लिए सज्ज हो जा। महादेव शिव शंभु का दिव्य अस्त्र नहीं, मैं इस पर वज्र से प्रहार कर महादेव को रुष्ट नहीं कर सकता। रुक जाओ कर्ण, रुक जाओ। मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। तुम्हें इस शंभव अस्त्र को प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं। गंगा पुत्र भीष्म और आचार्य द्रोण के अतिरिक्त मैंने किसी धनुर्धारी में इतनी मेधा नहीं देखी, इतना बल नहीं देखा। कौन हो तुम कर्ण, और कौन है वो जिसने तुम्हें इतना सक्षम बनाया? कौन है वो महागुरु, कौन है जिसके शिष्य हो तुम? वही जिसने गंगा पुत्र भीष्म और द्रोण को शिक्षा दी थी। कौन है वो महागुरु, कौन है जिसके शिष्य हो तुम? वही जिसने गंगा पुत्र भीष्म और द्रोण को शिक्षा दी थी। प्रभु परशुराम, आप कर्ण, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम प्रभु परशुराम के शिष्य? क्योंकि आपके अहंकार ने आपको यह प्रश्न पूछने ही नहीं दिया। प्रभु, मैं अपनी इस उदंडता के लिए क्षमा चाहता हूं। मेरे इस अहंकार ने मेरी मति को हर लिया था, जो मैं समझ नहीं पाया कि ऐसा प्रतिभावान योद्धा केवल आपका ही शिष्य हो सकता है। मैं क्षमा चाहता अर्थात मेघों को अभी वर्षा का आदेश देता हूं।
तुम्हें चुनकर मैंने भूल नहीं की है कर्ण, तुमने अच्छा प्रदर्शन किया है। क्योंकि मेरे गुरु ने मेरा मार्ग प्रदर्शन किया, ये कर्ण की नहीं आपकी शिक्षा की विजय है गुरुदेव। कर्ण, वर्षों तक तुमने शस्त्र साधना की, मेरे हर आदेश का पालन किया, मेरे द्वारा दी गई हर परीक्षा में तुम खरे उतरे हो राधे, और आज तुमने इंद्रदेव का अहंकार तोड़कर मुझे गौरवंतित किया है। इसका तात्पर्य जानते हो कर्ण? इसका अर्थ यह है, तुम उन शस्त्रों को धारण करने के पात्र बन गए हो जो देवताओं को भी उपलब्ध नहीं है। मैं तुम्हें ब्रह्मशिरस्त्र की दीक्षा दूंगा, मैं तुम्हें ब्रह्मांडस्त्र की शिक्षा दूंगा, और परशुराम को सदैव यह गर्व होगा, यह दीक्षा प्राप्त करने वाला राधे कर्ण परशुराम का प्रतिबिंब है। क्षत्रियों के गुणों से युक्त ये ब्राह्मण शिष्य इतने वर्षों में असंख्य बार तुमने मुझे मेरी युवावस्था का स्मरण कराया, और आज इन मेधों को, इस नव को, सात तल्लों, चारों दिशाओं को मैं साक्षी मानकर सगर्व कहता हूं कि धनुर्विद्या में और युद्ध कौशल में तुम परशुराम के पर्याय हो। महादेव के अतिरिक्त तुमसे श्रेष्ठ धनुर्धर कोई नहीं है इस संसार में। चिरायु भव कर्ण, कर्ण 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 कौन है ये कर्ण? कहां से आया इसमें इतना बल, इतना कौशल? कहां से पाया इसने इतना तेज? समझ नहीं आया कि केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देने का प्रण लेने वाले परशुराम ने आखिर क्यों एक सूत पुत्र को अपना शिष्य बनाया? कुछ तो भेद है जिसे इंद्र भेद करके रहेगा। देवराज इंद्र को तो तुमने पराजित कर दिया कर्ण, परंतु देवराज इंद्र के भीतर तुमने अपने महाशत्रु को भी जन्म दे दिया। तुम्हारे विनाश तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा कर्ण। परशुराम तुम्हें संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी घोषित कर चुके हैं, किंतु क्षमा करना है धनुर्धारी, मैं इंद्र ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, कदापि नहीं। इस संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे महान धनुर्धारी केवल वही होगा जिसमें देवराज इंद्र का बल होगा। देवराज इंद्र के वज्र का तेज जो स्वयं इंद्र के अंश से जन्मा है, सबसे बड़ा, सबसे उत्तम, सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनेगा हस्तिनापुर में शिक्षा ले रहा अर्जुन।
जिसने इंद्र का आशीर्वाद अर्जित किया है वो अर्जुन। तुम जैसा धनुर्धर ना कभी जन्मा था। ना जन्मा है और ना ही कभी जन्मेगा अर्जुन। तुमसे श्रेष्ठ धनुर्धर कोई नहीं है संसार में। चिरायु भाव कर्ण।